पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली है। 10 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले को पाकिस्तानी टीम ने 10 गेंदे रहते जीत लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का टारगेट चेस करके वर्ल्ड कप में नया इतिहास बना दिया। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले कभी इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं किया गया था। पाकिस्तानी टीम के जीत के हीरो रहे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 131 रनों की पारी खेली, वो भी नाबाद रहते हुए। वो भी चोटिल होने के बावजूद मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और भारी दर्द के साथ उन्होंने मैच को फिनिश भी किया। मोहम्मद रिजवान ने 121 गेंदों में कुल 131 रन की पारी खेली। हालांकि जीत के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ऐसी बात बोल दी जिस पर पूरी दुनिया में बवाल मच गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है, लेकिन महामंच पर रिजवान ने हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर दिया। उन्होंने उन दुर्दांत आतंकवादियों का समर्थन कर दिया जिन्होंने हजारों मासूमों और बेगुनाहों की निर्मम हत्या की है। मोहम्मद रिजवान के आतंकियों से हमदर्दी देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लोग आईसीसी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या क्रिकेटर को करना चाहिए आतंकियों का समर्थन? जिस हमले ने दुनिया को दर्द दिया, उन हथियारों को रिजवान ने समर्पित किया शतक। हैरानी की बात यह है, जब मोहम्मद रिजवान की शतकीय पारी की तारीफ हर क्रिकेट फैन कर रहा था, उस बीच उन्होंने गाजा के आतंकियों को वह पारी समर्पित कर दी। कश्मीर से लेकर गाजा तक कई पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल भावना को तार तार करने वाले बयान पहले ही दे चुके हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली भी गाजा को बचाने की अपील क्रिकेट के मंच से कर चुके हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में सेव गाजा नाम से एक बैंड भी हाथ में बांधकर मुकाबला खेला था, जिसके बाद आईसीसी से उन्हें फटकार भी लगी थी। आपको बता दें, इसराइल और हमास के बीच पिछले 5 दिनों से भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। हमास के अचानक हमले के बाद इसराइल में हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं। इसके बाद इसराइल बदला लेने के लिए लगातार गाजा में आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। इसमें कई आतंकियों की भी मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हो गए। श्रीलंका पर जीत के बाद उत्साहित मोहम्मद रिजवान ने एक्स पर लिखा, हम इस जीत का क्रेडिट गाजा के अपने भाई बहनों को देना चाहते हैं। मुझे जीत में योगदान देकर काफी खुशी हो रही है। इसका क्रेडिट पूरी टीम को भी जाता है, खासकर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को, जिन्होंने जीत को काफी आसान बनाया। हैदराबाद के लोगों का इतना प्यार देखकर मैं काफी खुश हूँ। आपको बता दें कि 31 साल के मोहम्मद रिजवान के वनडे करियर का ये तीसरा शतक है। नाबाद 131 रन उनका बेस्ट स्कोर हो गया है, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही लगाया। साल 2023 की बात करें तो रिजवान अब तक 17 पारियों में 75 की औसत से 827 रन बना चुके हैं। उन्होंने एक शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। मोहम्मद रिजवान शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी की तारीफ भी होती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान के बाहर उनकी सोच कैसी है, ये इस बयान से साफ हो जाती है कि उनके आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति है। अब देखना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है या नहीं। इंडिया टीवी क्रिकेट की रिपोर्ट।